हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथमेटिशियन शो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में ये जो सारे नंबर्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं चिल्ड्रेन को, मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रेंस है 1 to 15। यहाँ नाम की जगह हम लोग नंबर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। टोटल 15 चिल्ड्रेन हैं और उसके लिए हम लोग नाम की जगह नंबर का यूज़ कर रहे हैं। ये ट्रायंगल के अंदर जितने भी नंबर्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं वैसे बच्चे को जो लड़की है, यानी टोटल बच्चों में जो लड़कियां हैं वो इस ट्रायंगल के अंदर है। उसके बाद सर्कल के अंदर ऐसे बच्चों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है जो लंबे बच्चे हैं। उसी तरह स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है ओबीस चाइल्ड को, यानी जो बच्चे मोटापे का शिकार हैं वो स्क्वायर के ज़रिए रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। उसी तरह ये रेक्टेंगल जो है सो रिप्रेजेंट करता है एनर्जेटिक बच्चों को। रेक्टेंगल के जरिए ऐसे बच्चों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है जो ऊर्जावान हैं। तो हम लोगों को इस फिगर को हम लोगों ने समझ लिया पूरी तरह से। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच नंबर रिप्रेजेंट्स टॉल एनर्जेटिक एंड ओबीस गर्ल। इनमें से कौन सा नंबर है जो ऐसी लड़की को रिप्रेजेंट करता है जो लंबी भी है, उसके बाद मोटापे का शिकार भी है यानी ओबीस भी है और एनर्जेटिक भी है, वो हम लोगों को पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे टॉल। तो लंबा कौन कौन है यहाँ देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 चिल्ड्रेन हैं जो कि लंबे हैं। अब हम लोग देखेंगे एनर्जेटिक, तो एनर्जेटिक भी होना चाहिए लंबाई के साथ साथ। तो एनर्जेटिक कौन कौन है, एनर्जेटिक तो इतने बच्चे हैं लेकिन जो लंबे भी हों और एनर्जेटिक भी हों वो सिर्फ 3 हैं, 1 2 3, सिर्फ 3 ही बच्चे हैं जो लंबे भी हैं और एनर्जेटिक भी हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे ओबीस। अब ऐसे बच्चे जो ओबीस हैं यानी मोटापे का शिकार हैं, तो ये जो स्क्वायर के अंदर जो बच्चे हैं वो सारे ओबीस हैं, लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, जो टॉल भी हो एनर्जेटिक भी हो। तो 1 2 3, अब इसमें से देखेंगे ओबीस भी कौन है। तो आप देख रहे हैं 1 जो है स्क्वायर के बाहर है और 2 स्क्वायर के अंदर है और 3 भी स्क्वायर के अंदर है, ठीक है। तो 2 और 3 ओबीस भी हो गए। तो 2 और 3 ऐसे बच्चे हो गए जो लंबे भी हैं, एनर्जेटिक भी हैं, ऊर्जावान भी हैं और ओबीस भी हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, अब 2 और 3 में ये देखना है कि 2 और 3 दोनों क्या लड़कियां हैं या फिर सिर्फ कोई एक नंबर लड़की है। तो हम लोग देखेंगे कि ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ट्रायंगल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 है, 2 ट्रायंगल से बाहर है। तो 3 ऐसा नंबर है जो कि लड़की है, लड़की को रिप्रेजेंट करता है। तो 3 जो है आप देख सकते हैं टॉल भी है यानी सर्कल के अंदर भी है, उसके साथ साथ एनर्जेटिक भी है मतलब रेक्टेंगल के अंदर है आप देख सकते हैं, और ओबीस भी है स्क्वायर के अंदर है और लड़की है जो कि ट्रायंगल के अंदर है, इसीलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा 3। तो नंबर 3 रिप्रेजेंट्स टॉल एनर्जेटिक एंड ओबीस गर्ल। फ्रेंड्स, अगर आप भी इंट्रेंस एग्जाम या कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।